दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में शुमार नास्त्रीदमस ने कई भविष्यवाणियां की जो सही साबित हुई हैं। हिटलर, दूसरा विश्व युद्ध, कोरोना से जुड़ी जो बातें उन्होंने कही वो सच साबित हुई। आने वाले साल 2023 के लिए भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं, या यूं कह लीजिए कई भविष्यवाणियां की हैं, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कौन कौन सी है वो भविष्यवाणियां, आइए हम आपको बताते हैं। तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र नास्त्रीदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है। 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। कई लोग नास्त्रीदमस की इस बात को विश्व युद्ध से जोड़कर देखते हैं। लोगों का मानना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध इतना भयंकर हो सकता है कि वो तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, या फिर जिस तरह से चीन और ताइवान के बीच संघर्ष जारी है उसमें अमेरिका के आने से एक बड़े युद्ध की आशंका है। मंगल ग्रह पर रोशनी। नास्त्रीदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि मंगल पर रोशनी गिर रही है। लोग इसे लाल ग्रह पर इंसानों के कदम रखने से जोड़कर देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इंसानों को मंगल पर पहुंचाने से जुड़े मिशन में एक बड़ी कामयाबी इस साल मिल सकती है। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क मंगल पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की बात कह चुके हैं। वो 2029 तक मंगल पर इंसानों को भेजना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 2023 में मंगल से जुड़ा कोई मिशन एलन मस्क के दिमाग में हो। आसमानी आग, नास्त्रीदमस ने लिखा, शाही भवन पर आकाशीय आग। कई लोग इसकी व्याख्या नई सभ्यता के उदय से करते हैं, तो वहीं कई लोग इसकी व्याख्या दुनिया के नए कानून से करते हैं। नए पोप की भविष्यवाणी, नास्त्रीदमस ने पोप के बदलने की भी भविष्यवाणी की है। नास्त्रीदमस की बात को सच माना जाए तो पोप फ्रांसिस की जगह कोई और आएगा। उसके आने के बाद स्कैंडल भी खड़े हो सकते हैं। दो महाशक्तियां आएंगी साथ। नास्त्रीदमस ने दिलचस्प तरीके से दो महान शक्तियों के एक साथ नया गठबंधन बनाने की बात कही है। नास्त्रीदमस की भविष्यवाणी में ये गठबंधन एक मजबूत आदमी और एक कमजोर पुरुष या महिला नेता के बीच होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसके प्रभाव अच्छे होंगे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे।